श्री 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 अष्टोत्तर सहस्र जगद्गुरु लिंगैक्य जगद्गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी विरचित श्री शिव पंचविंशति लीला शतकम् अथ तांडव लीला। नित्यो नादिगिराम गोचर गुण सत्यो विराड्रूपतः सृष्ट्वा सर्वजगच्चराचरमयम् यस्वेच्छया तत्पुनः कल्पान्ते विनियोज्य चात्मनि विनोदेन प्रहृष्टो महा संहारात् स्वयमाततानटनम् सोव्यान्महेशोनिशम् सोव्यान्महेशोनिशम्। हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। जय बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्रीमज्जगद्गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञानसिंहासनके सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास में लोक कल्याण के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस ज्ञान महाकुंभ का प्रारंभ से संचालन करते आ रहे बारसी दहिवड़कर मठ के षटस्थल ब्रह्म गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज आज के धर्म संदेश प्रदान किए हुए चन्नगिरी हालस्वामी मठ के श्रीमन निरंजन प्रणव स्वरूपी डॉक्टर बसव जयचंद्र स्वामी जी श्रावण मास तपोनुष्ठान के लिए काशी के सभी धार्मिक अनुष्ठान में उपस्थित रह रहे अंबाजोगाई शंभुलिंग संस्थान मठ के षटस्थल ब्रह्म शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज काशी वीरशैव विद्वत्संघ के समस्त विद्यार्थीगण यात्रा के निमित्त आए हुए विविध प्रांत के समस्त सद्भक्तगण और माताओं चातुर्मास में श्रावण मास का बड़ा ही महत्व है।
प्रायः इस श्रावण मास में संपूर्ण विश्व में शिव की उपासना विविध प्रकार से लोग करते हैं। आशुतोष भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अनेक व्रतों का, जप तपादि अनुष्ठानों का, अपने अपने भक्ति और शक्ति के अनुसार लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके आचरण कर रहे हैं। हम लोग इस काशी क्षेत्र से शिव की महिमा और शिव लीलाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। वैसे तो दो अक्षर का जो शिव शब्द है, इसका कोई भी कितनी भी व्याख्या करते जाएगा तो भी उसका पार नहीं है। सभी शास्त्रों का सार उसमें निहित होने के कारण शिव शब्द की बड़ी महिमा है। सभी प्रांत के भक्तगण शिव स्मरण के लिए अपने अपने ढंग से साहित्य की रचना किया है। महाराष्ट्र के एक संत शिवदास, उन्होंने 1930 अभंग में भगवान शिव की महिमा अपने अपने ढंग से, सुंदर ढंग से गाया है। उसमें एक अभंग थोड़ा सा हम इधर चिंतन करके आगे जाएंगे। तो पहले शिव पाठ कर ऐसे प्रारंभ करके एक एक अभंग में भगवान शिव के महिमा के बारे में बताया है। उसमें एक अभंग है, भव रोगावरी दिव्य रसायन औषध हे जान शिव नाम, तया विना अन्य करिता उपाय, जानते अपाय होती सर्व, मनोनियातुमा सांगतो हे हित, स्मरा हो सतत शिवनाम, शिवदास मने मग भव भय, स्वप्न ही न होय बाधकते। भव रोगावरे दिव्य रसायन, प्रायः मनुष्य अनेक रोगों से ग्रस्त है। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है वात पित्त कफ इन तीन दोषों के कारण तीन सौ साठ प्रकार के रोग आयुर्वेद में बताए हैं। एक साल में 365 दिन है, जब वात विकार से, पित्त विकार से, कफ विकार से जो 360 रोग हमको होते हैं, और पांच रोग जो है कर्मजन्य मानते हैं। अर्थात मनुष्य के जीवन में जो 365 दिन है, ऐसा एक भी दिन निरोगी होकर के रहना मनुष्य के लिए मुश्किल है। 365 दिन है, 365 रोग है। इन रोगों से सबसे बड़ा एक रोग, उसका नाम है भव रोग।
भवरोग का अर्थ होता है जनन मरण चक्र में बार बार आना जाना, ये भवरोग है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो शंकराचार्य बताते हैं, जन्म लेना, कुछ दिन जिंदगी जीना, बाद में फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, ये जनन मरण का जो फेरी है, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से हमारे पीछे लगा हुआ है। यदि इस जन्म में सद्गति नहीं होगी तो आगे फिर जन्म लेना पड़ता सबके लिए। तो बताते हैं सभी रोगों के लिए अलग अलग वैद्य लोग अपने को दवा देते हैं, लेकिन इस जनन मरण रूपी जो भव रोग है इसके लिए दवा देने वाला कोई वैद्य नहीं है। इसकी दवा केवल वैद्यनाथ ही दे सकता है, शिव ही दे सकता है, शिव नाम ही उसका दिव्य रसायन। तो बताते हैं भवरोगावरी दिव्य रसायन अत्यंत श्रेष्ठ दवा है, इसको लेने के बाद रोग से आदमी मुक्त ही होता है। जानते उपाय होती तया विना अन्य करिता उपाय, शिवनाम के सिवाय भवरोग के लिए दूसरा उपाय हम करेंगे वो सब अपाय हो जाता है, उसका उपाय नहीं होता है। मनोने तुम सांगतो हे हित स्मरा हो सतत शिवनाम। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है शिवनाम का ही जप करना ही होता है। मनुष्य जीवन भर बहुत सारा ज्ञान संपादन करता है, लेकिन अंतिम समय में सब भूल जाता है। जितना पढ़ा लिखा होता है सब भूल जाता है। तो भगवान कहते हैं सब भूल जाओ लेकिन मेरे नाम मत भूलना। अंत्यकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में शिव शिव शब्द बोलते हुए जब शरीर छूट जाएगा तुमको शिव स्वरूप करने का जो काम मैं करता हूं। अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण होना होता ऐसे नहीं होता, उसके लिए जीवन भर करना पड़ता है। जीवन भर करने पर भी अंत में आना मुश्किल है। जब हम अंत काल में नाम लेकर के हम जाएंगे ऐसे सोचेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। जीवन भर भगवान का नाम स्मरण करने वाले भी अंतिम समय में कहीं न किसी दोष के कारण नाम स्मरण छूट जाता है। संसार का स्मरण करते हुए शरीर छूट जाता है, फिर संसार उसको आना पड़ता। अंते या मत ही सा गति ही। अंतिम समय जीवन का अंतिम समय मनुष्य के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। वैसे तो जीवन के दो समय मुख्य, एक जन्म का समय, एक दूसरा मरण का समय। कहते हैं
अच्छे मुहूर्त पर जन्म लेना चाहिए और अच्छे मुहूर्त पर शरीर भी छोड़ना चाहिए। लेकिन जन्म तो हमारा हो गया, हमारा अधीन नहीं है। दैवायत्तम कुले जन्म जो बोलते हैं, दैवाधीन के कारण हमारा तो जन्म हो गया। किस मुहूर्त में हो गया? हो गया। अब मरण हमारे अधीन है। हमारे अधीन का मतलब ऐसा नहीं पंचांग में अमृत सिद्धि मुहूर्त देख करके गल्पास लेकर के मर जाना, ये मुक्ति नहीं। वही मुहूर्त मुहूर्त कहा जाता है जिस समय भगवान का नाम स्मरण करते हैं, वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। हम अनेक बार उदाहरण देते हैं, जैसे एकाध व्यक्ति फोटो लेने के लिए किसी फोटोग्राफर के पास जाता है। वैसे तो स्टूडियो में जाने से पहले पूरा सज धज करके एक अच्छा कपड़ा पहन करके जो भी मुख को लगाना चाहे सब लगा वगा करके जाएगा और कैमरामैन के सामने बैठता है तो कैमरामैन उसको सजग करता है, मेरे तरफ देखना, आंख बंद नहीं करना, हंसता हुआ चेहरा रखना, हंसते हुए दौरा मेरे हमारे तरफ देखो। इतना जागृत करके जब वो क्लिक करता है उस समय यदि कोई व्यक्ति आंख बंद करेगा तो उसका पोटा जो है अंधा के जैसे आता है। वो दोष किसका है? फोटोग्राफर का दोष नहीं, वो दोष हमारा ही है। उससे पहले आंख खोल करके बैठा, जब क्लिक करता है तो बंद करता है तो वो अंधा के जैसे फोटो आता है। वैसे भगवान मरते समय हमारे सामने कैमरा ले करके खड़ा रहता है। इसको क्या गति देना है? तो भगवान का नाम स्मरण करते करते आप शरीर छोड़ेंगे तो भगवत स्वरूप आप हो जाएंगे। यदि उस समय भगवान का स्मरण छूट गया, परिवार के लोगों के साथ आप समरस हो गए तो आपको फिर बार एक बार फिर संसार में आना पड़ता है। ऐसे भगवान ने प्रत्येक जीवात्मा को अनेक चांस दिया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लाखों करोड़ों बार एक एक जीवात्मा जन्म लिया है। इतने बार जन्म देने का भगवान का एक ही उद्देश्य है, ये अपना मन सुधार करके अंतिम समय में भगवत का स्मरण करते उनका शरीर छोड़ना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों का होता नहीं, इसलिए कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत व्यावृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। इसलिए श्रुति कहती है कश्चित धीरः, लाखों करोड़ों लोगों में से एकाध धीर व्यक्ति, धीर का अर्थ होता है विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयैव धीराः। मन को विकृत करने वाले बहुत सारे पदार्थ सामने आने पर भी जिसका मन विकृत नहीं होता है उसी को धीर कहा जाता है। ऐसे धीर व्यक्ति अंतिम समय में संसार का विस्मरण करके भगवान का स्मरण करते जाता है। इसलिए वृद्धावस्था जो है ना, वृद्धावस्था योग के लिए कहा गया है। महाकवि कालिदास कहते हैं शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम।
बाल्यावस्था में खेल पाठ कूद में चला जाता है, तारुण्यावस्था में गृहस्थ में चला जाता है, वृद्धावस्था में योगाभ्यास करके परिवार से मुक्त हो करके भगवान के साथ नाता जोड़ने का समय रहता है। योगे नान्ते तनुत्यजाम, योग मार्ग से शरीर छोड़ना है प्रत्येक जीव का कर्तव्य होने पर भी जीवात्मा योग मार्ग को छोड़ देता है। एक बार शंकराचार्य जी काशी में जब रहते थे उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखते थे, ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखते थे, काशी में उनका वास था। प्रतिदिन गंगा स्नान करके विश्वनाथ को दर्शन करने के लिए जाते रहे गली गली से। एक दिन उस गली से जब गुजर रहे थे उस समय एक बूढ़ा आदमी करीब 80-90 साल का वृद्ध व्यक्ति अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठ करके व्याकरण सूत्र का कंठ पाठ करता रहा। उस समय उनका अध्ययन शुरू हुआ व्याकरण शास्त्र, तो सूत्र था डुक्री करने डुक्री करने, एक धातु का वो पाठ कर रहे थे सूत्र का। शंकराचार्य ने देखा उम्र तो इतना है 90 साल का, अभी थोड़े समय के बाद ये जाने वाला है, अंतिम समय में जो जप करना से उसको छोड़ करके व्याकरण सूत्रों को पाठ कर रहा है। उनको देख करके शंकराचार्य ने बहुत सुंदर श्लोकों की रचना किया है भज गोविंदम में। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, अथवा भज गौरीशम भज गौरीशम गौरीशम भज मूढ़मते, हे मूढ़मते हे बुद्धिहीन व्यक्ति, इस समय तुमको शिव का ध्यान करना चाहिए, शिव का नाम स्मरण करना चाहिए। नहीं नहीं रक्षते डुक्री करणे, ये जो तुमले जो सूत्र पाठ कर रहा है ये तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, इसलिए सब छोड़ दो, छोड़ करके तुम भगवान शिव का नाम स्मरण करो, शिव का नाम स्मरण करो। ये तो केवल एक संकेत है, काशी में एक बूढ़े की बात है, ऐसे हजारों लाखों बूढ़े होंगे उस समय। एक बूढ़ा व्यक्ति को निमित्त मान करके शंकराचार्य ने संपूर्ण वृद्धावस्था के लोगों के बारे में बताते हैं। वृद्धावस्था में अन्य शास्त्रों का अध्ययन कर से कोई फायदा नहीं है, जिस अवस्था में सब कुछ छोड़ना पड़ता उस अवस्था में उसको लेकर के तुम क्या करोगे, इसलिए भगवान शिव का स्मरण करो। इस प्रकार हमारे देश के अनेक विद्वानों ने, आचार्य महर्षियों ने, साधु संतों ने भगवान शिव के बारे में, शिव नाम के बारे में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। उसी संदर्भ में हमारे काशीपीठ के जगतगुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी काशी में निवास करते बहुत सारे साहित्य की रचना उन्होंने किया है। प्रायः पढ़ने लिखने में इतना समय वो व्यस्त रहते थे, उनके विद्यार्थी अवस्था में जो उन्होंने पढ़ने के लिए जो ग्रंथों का संग्रह किया है वो हमारे जंगमवाड़ी मठ में ज्ञान मंदिर ग्रंथालय बन गया है।
10,000 से ऊपर मुद्रित ग्रंथ है और हजारों हजारों ग्रंथ ताल पत्र के ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथ जो है केवल उन्हीं के द्वारा संग्रहित बहुत बड़ा ज्ञान भंडार जंगमवाड़ी मठ को मिला है। ज्ञान मंदिर ग्रंथालय के किसी भी एकाध ग्रंथ लेकर के आप देखेंगे उसमें कहीं न कहीं वीरभद्र जगद्गुरु जी का कुछ न कुछ लिखा हुआ चिन्ह आपको देखने को मिलता है। अर्थात ग्रंथ पढ़ते पढ़ते उस समय जो उनके मन में उसके बारे में जो भी विचार आया होगा उसमें थोड़ा संकेत रूप में लिख के रखा है। जब महास्वामी जी इनका शरीर छूट रहा था उस समय भी वह ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कुछ लिखते हुए उनका शरीर छूटा है, ऐसे उनके जीवन चरित्र में हमको सुनने को मिलता है। ऐसे जगतगुरु महास्वामी जी 100 श्लोकों में भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन किया है। उसमें आज हमारे गुरुकुल के वेद प्राध्यापक मल्लिकार्जुन शास्त्री जी इस श्लोक का सुंदर ढंग से पाठ किया है। वो श्लोक है, नित्यो नादि गिराम अगोचर गुणः सत्यो विराट रूपतः सृष्ट्वा सर्वजगच्चराचरमयं यस्वेच्छया तत्पुनः कल्पान्ते विनियोज्य चात्मनि विनोदेन प्रहृष्टो महा संहारात् स्वयमाततान नटनं सोव्यान् महेशो निशम्। बहुत बड़े सुंदर छंद में इसका रचना किया है। कहते हैं, नित्यो नादि गिराम अगोचर गुणः सत्यो विराट रूपतः। भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान शिव के स्वरूप के बारे में आप बताते हैं भगवान कैसे नित्य है। भगवान शिव जो है नित्य है, नित्य करते थे नेमेन भवः नित्यः, अर्थात शाश्वतः। भगवान शिव जो है शाश्वत है, नित्य है, कालत्रयातीत है, कालावच्छेद रहित है। सारे विश्व जो है काल कवलित है, कोई एकाध वस्तु अभी रहता है, कुछ दिन के बाद उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते, उसके बाद वो नहीं भी रहता। इसलिए अस्ति जायते विवर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति, ये छठ भाव विकार प्रपंच के लिए कहा गया है। जो भी वस्तु की उत्पत्ति होती है उसमें 6 विकार होते ही होते हैं। पहला विकार है अस्थि। जैसे माता के गर्भ में एकादा शिशु का प्राकट्य हो जाता है, 1-2 महीने में लगता है कि हाँ कुछ न कुछ है, क्या है मालूम नहीं, अस्थि गर्भधारण हो गया है। उसके बाद 9 मास के बाद जायते, दूसरा विकार, जन्म लेना है दूसरा विकार। पहला अस्थि पहला विकार, दूसरा जन्म जो दूसरा विकार है। उसके बाद विवर्धते बढ़ने लगता है, अन्न आहार से शरीर उसका बढ़ता जाता है। उसके बाद विपरिणाम, तो उसमें परिपक्व तो आ जाते शरीर में, बढ़ने का
परिपक्व होने का अवस्थ होने के बाद फिर अपक्षीयते, उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्षय होना शुरू हो जाता है। क्षय होते 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 एक दिन जो है विनश्यति, नैसा हो जाता, वो दो दिन पहले मर गए, अभी अभी मर गए, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो संसार में जितने भी पदार्थ का जन्म होता है सबको षड्भाव विकारों से गुजरना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव जो है षड्भाव व विकार रहित है। वो हम मैसूर के पास से गांव में गए थे, वहाँ एक भगवान शिव का मंदिर था, उसका नाम था षड्भाव विकार रहितेश्वर महादेव। षड्भाव विकार रहितेश्वर महादेव ऐसे नाम कहीं देखने को नहीं मिला, पहला उनको वहाँ हमको मिला सुनने को। संसार षड्भाव विकारों से युक्त है, भगवान जो है षड्भाव विकारों से रहित, इसलिए उसका नाम नित्य, उसको सनातन भी कहते हैं, सदातन भी, हम लोग कल बोला उसके बारे में। अर्थात उत्पत्ति विनाश रहित भगवान शिव है, इसलिए अनादि निधनम ब्रह्म, वो अनादि भी है और अनिधन, जिसका जन्म नहीं है उसका मरण भी नहीं है, इसलिए अजन्मा भी है और अमर भी है। पूरे संसार में केवल एक ही भगवान शिव जो है वो अजन्मा है और अमर है, इसलिए उनको बोलते अनादि ही। उसके लिए नित्य, नित्य मतलब हमेशा हमेशा रहने वाला। उसके बाद बोलते हैं अनादि ही, जो आदि रहित है, इसलिए भगवान शिव अनादि है और अनिधन भी है, उसका मृत्यु नहीं है। फिर बोलते हैं गिराम अगोचरः, अगोचर गुणा, गिराम अगोचर गुणा। प्रायः किसी के गुण को हम जब गुणगान करते हैं अपने शब्दों के द्वारा उनका गुणगान करते हैं, लेकिन भगवान शिव कैसे है, वाचा मगोचर गुणा, उनके गुणों के बारे में पूरा पूरा किसी को लिखना संभव नहीं है, फिर भी लिख रहे हैं, जितना हो सके उतना लिखेंगे। अपने बुद्धि और समझ के जैसे होता उतना सबको लिखते हैं, वैसे लिखना पड़ता है, इसलिए वाचा मगोचर गुणा, इसलिए श्रुतियों में कहा जाता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। किसी को समझने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है, कुछ वस्तु को प्रत्यक्ष प्रमाण से हम लोग जानते हैं, कुछ वस्तुओं को अनुमान प्रमाण से हम लोग जानते हैं। प्रत्यक्ष जो है सामने सामने जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्पर्श से मालूम होता है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन नहीं दिखाई देने वाले को दिखाई देने से अनुमान करके हम उसको जान सकते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण है दो मित्र जा रहे हैं अरण्य में, कहीं दूर जो है कुछ धुआं निकल रहा था, पर्वत के कोने में धुआं निकल रहा था। उनके मित्र ने बोला देखो वहां आग लगा हुआ है।
वैसे तो आग दिखा नहीं दे रहा था, लेकिन धुआं दिखाई दे रहा था। धुआं को देख करके आग का ज्ञान होता है, इसको कहते हैं अनुमान। तो धुआं को देखने से अग्नि का अनुमान कैसे हुआ, पानी का क्यों नहीं हुआ, और दूसरा वस्तु क्यों नहीं होता है? कहते हैं धुआं जो उत्पन्न होगा बिना अग्नि का नहीं होता है। जहां अग्नि होगा वहीं धुआं दिखाई देता है, अग्नि नहीं तो धुआं नहीं होता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहां जहां धुआं दिखाई देता है वहां नीचे अग्नि अवश्य रहता है, क्योंकि अग्नि से ही धुआं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार कुछ पदार्थों को अनुमान से हम लोग जानते हैं और कुछ प्रमाण को अर्थापत्ति प्रमाण से भी जानते हैं। पीनो देवदत्तः दीवान भुंक्ते, एक प्रसिद्ध उदाहरण है। एक देवदत्त नामक एक लड़का था, बहुत ही हृष्ट पुष्ट था, पहलवान जैसे। वो आया, उनको परिचित व्यक्ति ने किसी को परिचय करते समय बोला, ये जो देवदत्त है दीवान भुंक्ते, ये दिन में भोजन नहीं करता। तो शरीर की जो पुष्टि है वो अन्न के कारण ही होता है, नहीं खाएंगे तो आप कैसे शरीर नहीं बनता है। तो कहा कि दिन में नहीं खाता है, फिर भी पीन है, दष्ट पुष्ट है, इसका अर्थ क्या समझेंगे? दिन में नहीं खाता तो रात में खाता होगा। ये जो ध्यान होता है ना, इसको अर्थापत्ति बोला जाता है। उपमान बोलते हैं, जैसे चंद्रवत मुख है, उपमान करके हम लोग बताते हैं। इस प्रकार उसके बाद शब्द प्रमाण भी है समझने के लिए। तो भगवान शिव को समझने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण संभव नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। अनुमान से अंदाजा हम लोग अनुमान कर सके, उससे भी हमको एक वस्तु तो ज्ञान नहीं होता, अंदाजा होता है अनुमान से। उपमान देने के लिए उनके जैसे कोई दूसरा नहीं है। अंतिम जो शब्द प्रमाण बचता है भगवान को समझाने के लिए, शास्त्र लिखते हैं शास्त्र लोग, तो शास्त्र भी भगवान के पर्यंत नहीं जा सकता है। अतद्व्यावृत्यायम चकितम अभिदत्ते श्रुतिरपि, कहते जो शब्द प्रमाण है भगवान को समझाने के लिए, भगवान को बोध करने के लिए जब चलती है, भगवान तक वो भी नहीं पहुंच पाता है। वो केवल अतत् को, जो भगवान नहीं है, उसको निराकर करने में भी पर्याप्त हो जाता है, उसको बताने में नहीं, उसके बाद मौन हो जाता है। उसको एक उदाहरण देते हैं, जैसे सीता का स्वयंवर हुआ, राम जी शिव धनुष को तोड़ा था, उनके गले में वरमाला पहनाने थी, सीता के साथ दोन सखियां रही, वो माला लेकर के स्वयंवर मंडप में जाती थी, बहुत से राजा लोग बैठे थे। सीता को मालूम है कि धनुष कौन थोड़ा है, लेकिन सखियां उनको मालूम नहीं कौन थोड़ा है, इसलिए जाते जाते सबको पूछते रहे, ये थोड़ा है क्या, ये थोड़ा है क्या। राजाओं को दिखा करके, शिवधनुष इन्होंने तोड़ा है क्या? सीता बोलती थी नहीं, ऐसे मुंडी हिलाती रही, नहीं ये नहीं ये नहीं। ऐसे चलते 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 जब
राम जी के सामने आकर खड़ी हो गई। उस समय सखे ने पूछा, इन्होंने तोड़ा है क्या? वो हाँ भी नहीं कही, नहीं भी नहीं कही। मौनम सम्मति लक्षणम, चुप हो गई। अर्थात जैसे सीता ये राम है बोलने के लिए जैसे असमर्थ हो गए, राम को समझ रही है लेकिन ये राम ऐसे दिखाई देने में असमर्थ जैसे हो गई, वैसे चारों वेद 108 उपनिषद 6 शास्त्र 18 पुराण जितने भी वांग्मय हमारे देश में विरचित है वो सभी भगवान तक जा करके चुप हो गए। भगवान को सीधा सीधा दिखाने में असमर्थ हो गए। इसी बात को महाराज जी लिखते हैं, वाचा मगोचर गुणा। भगवान से आप कैसे हैं, किसी के द्वारा भी आपके गुणगान करना संभव नहीं है। वाचा मगोचर गुणा। उसके बाद आप कैसे सत्य, सते हितः सत्यः। दो अर्थ उसमें बताते हैं, जो संतों की रक्षा करता है उसका नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। सते हितः सत्यः अर्थात संतों की रक्षा करने वाला। गीता में भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें दो शब्द बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को संहार करने के लिए, और संतों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ, जो बोलते हैं ना, इसलिए सते हितः सत्यः। सज्जनों की रक्षा करने वाला जो है वही भगवान शिव है, जो भी तत्व होगा रक्षा करने वाला। दूसरा सत्य का अर्थ, सत्य प्रपंच में या शास्त्र में तीन प्रकार का सत्य बताया जाता है। एक होता है प्रातिभाषिक सत्य, एक होता है व्यावहारिक सत्य, एक तीसरा होता है पारमार्थिक सत्य। प्रातिभाषिक सत्य कैसा होता है, दो तीन उदाहरण प्रसिद्ध है वेदांत में। गर्मी का दिन है, एक व्यक्ति नदी के किनारे जा रहा है, वहाँ नदी के वालू भाग में सिकता भाग में एक सीमपी जो है ऐसे पड़ा रहा, सूर्य के किरण से वो चमकता रहा। दूर से देखने से उनको चांदी के टुकड़ा जैसे दिखाई दिया, सफ़ेद सिंपी जो है सूर्य प्रकाश से चांदी के टुकड़ा जैसे दिखा दिया। तो रजत करके चांदी करके उसको लेने के लिए वो दौड़ गया। वहाँ जा करके हाथ में लेता है तो चांदी नहीं, सिंपी थी। लेकिन चांदी में जो सिंपी में जो चांदी दिखाई दे रही थी वो प्रातिभाषिक है, केवल दिखने के लिए है, वस्तुतः नहीं है, एक प्रकार का भ्रांति उसको माना जाता है। उसको अध्यास कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धि अवभासः अध्यासः। जो चांदी नहीं है उसमें चांदी के जैसे दिखाई देना, ये जो सत्य है ये प्रातिभाषिक सत्य, केवल तत्काल दिखाई देता है, बाद में वो
झूठा साबित होता है, एक प्रकार से सत्य है। दूसरा सत्य है व्यावहारिक सत्य। अभी जो हमारे जो प्रपंच में हमारा जो व्यवहार होता है, ये भी एक प्रकार का भ्रम है, लेकिन ये भ्रम तत्काल निवृत्त नहीं होता, ये 100 साल तक दिखाई देता रहता है। सिंपी में चांदी हो या रजत में रज्जु में सर्प हो, तत्काल दिखाई देता, निवृत्ति तत्काल हो जाते हैं, लेकिन जो व्यावहारिक प्रपंच हम लोग देखते हैं, सत्य के जैसे हम लोग ये देखते हैं, व्यवहार भी करते हैं, उसके लिए झगड़ा भी करते हैं, मारपीट करते हैं, मर भी जाते हैं इसके लिए, भूमि के लिए अनेक लोग प्राण त्याग देते हैं। ये जो सत्य दिखाई देता है, एक व्यावहारिक सत्य है, केवल व्यवहार करने के लिए सत्य, ये तो शाश्वत सत्य नहीं है। जब आपको परब्रह्म परमात्मा का आत्मज्ञान हो जाता है, उस समय ये जो है ना प्रातिभासिक जैसे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए वेदांत में जो ज्ञान की भूमिका बताया गया है, उसमें एक होता है असंशक्ति पदार्थाभाविनी और तुर्यगामिनी। ज्ञान होने तक संसार में आसक्ति रहते, उसके बाद आसक्ति नहीं रही, निरासक्ति हो जाएगी। जब निरासक्ति हो जाएगी, आपको प्रपंच नहीं दिखाई देगा, केवल परमात्मा ही दिखाई देने लगता, प्रपंच बाधित हो जाता है। वैसे परब्रह्म परमात्मा आत्मज्ञान होने तक जो दिखाई देता है, उसका नाम है व्यावहारिक सत्ता है। प्रपंच में वो सत्ता व्यावहारिक सत्य है, लेकिन ये भी नहीं रह सकता। लेकिन भगवान शिव जिन्होंने सत्य कहा, ये तो पारमार्थिक सत्य है। अर्थात कल जैसे था आज भी वैसे रहेगा, परसों भी वैसे रहेगा, भूत भविष्य वर्तमान में कितना भी परिवर्तन के बिना जो रहता है, उसका नाम है पारमार्थिक सत्य। वैसे भगवान शिव जो है पारमार्थिक सत्य है, इसलिए सत्य। आगे बताते हैं विराट रूप। भगवान शिव ने जो सृष्टि किया, ये सृष्टि जो है भगवान का ही विराट रूप है और कुछ नहीं है। भगवान का ही प्रपंच रूप में जो दिखाई देता, भगवान का विराट रूप है। इसके बारे में सिद्धांत शिखामणि में एक श्लोक आता है, शिव जगन्मय स्थल में, पत्र शाखादि रूपेण यथा तिष्ठति पादपः तथा भूम्यादि रूपेण शिव एको विराजते। जब एकादा वृक्ष को आप देखते हैं, उसमें अनेक अवयव होते हैं, उसका मूल जड़ होते हैं, उसके बाद काष्ठ होता है, उसके बाद शाखाएं होती हैं, उसके पत्ते होते हैं, उसमें फूल होते हैं, फल होते हैं, सब मिलकर के वृक्ष होता है। जैसे सभी अवयवों से वृक्त एक वृक्ष हम बोलते हैं, वैसे भगवान शिव जो है पृथ्व्यादि पंच महाभूतों के रूप में भगवान ही प्रपंच रूप में प्रकट हो गए, उसका विराट रूप है। जैसे गीता में भगवान अपना विराट रूप दिखाया है, वैसे भगवान शिव का विराट रूप क्या है, सारी सृष्टि भगवान का विराट रूप है। इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसलिए एक आरती में, कन्नड़ के एक आरती में बहुत सुंदर ढंग से गाया है, सर्वरिगागली मंगला। इस आरती में
ಕ್ರೋಧಿಗೆ ಕುಹಕಿಗೆ ಕಾಮಿಗೆ ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಬ್ಕೋ ಮಂಗಲಾರತಿ ಕರ್ತೆ ಕ್ರೋಧಿ ಕೋ ಭಿ ಮಂಗಲಾರತಿ ಕುಹಿ ಕೋ ಭಿ ಮಂಗಲಾರತಿ ಕಾಮಿ ಕೋ ಭಿ ಮಂಗಲಾರತಿ साधु सज्जनों को भी मंगल आरती करते हैं। इसका अर्थ है भगवान विराट रूप की आरती है, सब में भगवान का दर्शन करने की जो कला होती है, अर्थात सब में भगवान तो सब में है ही है, उसको देखने की जब दृष्टि आ जाएगी तब भगवान सर्वत्र दिखाई देता है। इसलिए भगवान विराट रूप है। श्री रुद्र के जो नमकाध्याय है, 11 नमकाध्याय, उसमें पूरा भगवान का विराट रूप का वर्णन मिलता है। और जो पुरुष सूक्त है उसमें भी भगवान का विराट रूप का वर्णन मिलता है। इस प्रकार बोलते हैं विराट रूपः सृष्ट्वा सर्व जगत् चराचरम् अयम् स्वेच्छया यत् पुनः। भगवान ने जो सृष्टि किया, इस सृष्टि भी उनकी लीला है, इसलिए लोकवत्तु लीला कैवल्यम सूत्र में महर्षि व्यास जी ने ये जो सारा सृष्टि हुई है भगवान की लीला है। इसको लीला इसलिए कहा जाता है, कोई भी किसी वक्तु को या कुछ काम करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसका कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। यदि भगवान कुछ अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए सृष्टि करते हैं तो भगवान अपूर्ण माना जाएगा, वो तो नित्य तृप्त नहीं है, कुछ पूर्ति के लिए कुछ काम कर रहा है। यदि किसी भी प्रयोजन के बिना सृष्टि करता कहेंगे तो उन्मत्त प्रवृत्ति हो जाएगी। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना कोई मूर्ख आदमी भी प्रवृत्त नहीं होता है, तो प्रयोजन के बिना इतना बड़ा सृष्टि भगवान ने क्यों किया। इसलिए दोनों तरफ से विचार करके कहते हैं उनका खुद का कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन लीला क्यों कर रहे हैं? लीला इसलिए कर रहे हैं कि सृज्यमान प्राणियों के जो अदृष्ट है उसके द्वारा प्रेरित होकर के भगवान ने सारी सृष्टि की रचना करता है। और जैसे आनंद से सृष्टि करता है वैसे आनंद से इसका विलय भी करता है, संहार भी करता है। इसलिए संहार भी भगवान के एक अनुग्रह माना जाता है। उत्पत्ति करते हैं वही, पालन भी वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं, निग्रह अनुग्रह वो भी करते हैं। तो सृष्टि करने के बाद संहार करने की क्या जरूरत है? जब संहार करना हो तो क्यों उत्पादन क्यों किया? लेकिन यहाँ पर जो है सृष्टि में सभी जीवों को सुधार करके उनको शिवरूप देने के लिए भगवान की सृष्टि है। जीवों की सृष्टि क्यों होती है? केवल अपने प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए नहीं, प्रारब्ध कर्म भोगते भोगते अपने मन को शुद्ध करके भगवान शिव को जान करके शिव स्वरूप हो जाए, यही सृष्टि की लीला का महत्व है। भगवान सोचता है 100 साल समय दिया, इन्होंने कुछ अपने तरफ आने का ख्याल नहीं किया, चलो इसको फिर नष्ट करो, फिर नया जन्म दे दो, फिर दोबारा चांस देता है। उस समय भी भगवान की तरफ नहीं जाता तो फिर संहार करता है, फिर जन्म देता है। इस प्रकार जब भगवान कल्पांत में, कल्पांत का अर्थ होता है ये जो 4 युग है, ये 4 युग 1000 बार
चक्कर काटने के बाद जो समय है तो उसका नाम कल्प है। चतुर्युग सहस्र बार जब फिरते हैं तो वे कल्प आता है। कल्पांत में भगवान ने सबको एक साथ विलय कर देता है। विलय करके आनंद से नृत्य करने लगता तांडव नृत्य। जब सारी सृष्टि को विलय करने के बाद सभी जीवों को अपने में समेट लेता है, उसके बाद आनंद से नृत्य करता, उसी का नाम तांडव नृत्य है। अरे सबको मार करके आनंद क्या मिल रहा है भगवान को? सभी जीवों को मार डाला और मार करके आनंद लेने का, तो ये तो सात्विक आनंद नहीं है, कैसे आनंद है? लेकिन वस्तुतः भगवान को इसलिए आनंद है, जैसे बच्चा जो है खेलते खेलते बाहर जाता है, माँ उसकी राह देखती रहती है, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन बच्चा उधर ही उधर उधर खेलता खेलता रहेगा तो माँ को कभी न कभी गुस्सा आ जाती है। जब नहीं आता है तो उसको खींच के ला करके उसको इतना मारते मारने को थक जाता है, तो माँ के गोद में सो जाता है। तब माँ को एक प्रकार का आनंद होता है, बच्चा मेरे गोद में सो रहा, आनंद ले रहा है। वैसे भगवान ने प्रत्येक जीवात्मा को बहुत बार समय दिया, बहुत बार एक कल्प मतलब कितने जन्म होते इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। चार युग 1000 बार घूमने के बाद कितने लाखों करोड़ों वर्ष हो जाता है, उतना समय में भी जो जीव हमारे जीव परमात्मा के पास नहीं आते हैं, बाद में सबको मार डाल करके उनका स्थूल शरीर नष्ट कर देता है, उनका कारण और सूक्ष्म शरीर के साथ वो सभी जीवात्मा परमात्मा आकर के समाविष्ट हो जाते हैं, तब उनको आनंद मिलता है, मेरे संतान मेरे पास आ गए। इनको साधना करके स्वतः आना चाहिए था, नहीं आए, इसलिए मैं मेरे संतान के साथ समरस आनंद लेने के लिए मैंने इनको प्रलय में सभी को संसार को प्रलय किया और सभी जीवों को अपने में समेट करके जब उसको आनंद विभोर हो गया उस समय उन्होंने तांडव नृत्य का रचना किया। इस प्रकार इस लीला का मुख्य उद्देश्य समस्त जीवों को अपने में समेट लेने के बाद भगवान को जो आनंद हुआ उस आनंद के अभिव्यक्ति करने के लिए भगवान ने तांडव नृत्य किया। उस तांडव नृत्य करने से संसार के लिए एक लाभ हुआ, जो सारे जो शास्त्र थे भगवान के डमरू ध्वनि से फिर शास्त्रों की सृष्टि होने लगी। व्याकरण आदि शास्त्रों का सृष्टि जो है भगवान के डमरू से होने, प्रलय के बाद फिर सृष्टि करना है तो सृष्टि करने के लिए भगवान जो शब्द साहित्य जो देना था उन्होंने हमने डमरू शब्द से पहले व्याकरण शास्त्र को देते हैं, उसके बाद बाकी शास्त्रों के सर्जन होता है। इस प्रकार भगवान के जो तांडव लीला है, प्रलय करके फिर सृष्टि को उत्पन्न करने के संदर्भ में बीच में संधि काल में भगवान का जो नृत्य हुआ वो तांडव नृत्य बोलते हैं। इसलिए नृत्य दो प्रकार का है, एक जो है पुरुष जो करते उसको तांडव नृत्य कहा जाता है और स्त्रियां जो करते उसको लास्य कहा जाता है। तो भगवान शिव जी ने अपना अद्भुत तांडव नृत्य करके वो नटराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए, महानट बोलते हैं, नटराज कहा जाता है। ऐसे भगवान नटराज के जो नाट्य लीला है ये तांडव नृत्य लीला, वैसे तो पहले लीला के बारे में कुछ लोग अलग अलग लिखे हैं,
लेकिन वीरभद्र जगद्गुरु स्वामी जी ये तांडव नृत्य को पहला लीला के रूप में माना है। इस प्रकार जो अनादि है, जो वाचाम अगोचर है, जो सत्य है, जो नित्य है, ऐसा भगवान लोक कल्याण के लिए सृष्टि भी करता है और लोक कल्याण के लिए सृष्टि का संहार भी करता है। ये दोनों उनकी लीला है। उस आनंद विभू होकर के प्रलय काल में जिन्होंने नृत्य किया उसी का नाम तांडव नृत्य है। यही तांडव नृत्य लीला का एक कथा है। तो इस प्रकार पहली लीला के बारे में आज हम लोगों ने जान लिया है और दूसरी लीला क्या होती है उसको कल के दिन में हम लोग विचार करेंगे। आज इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेश जाताय विश्वदेवेदाय श्री विश्ववंद्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शरवृंदवंद्याय मंगलम हरचरणेति बोधाय मंगलम गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिपूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम भवमोलभंगाय मंगलम शिव शिवलिंगसंगाय मंगलम भवमंगलांगाय शिवपिंगचूड़ाय कवितुंगसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम काशीपुरेशाय मंगलम कवि काशीनाथेशाय मंगलम वेशापहाराय पाशाप्रमोचाय श्रेशाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसंतं हृदयारविंदे भवं भवामि सरितं नमामि आनंदमानं भवने वसंतं आनंदकंदं रतपापरंदं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववंद्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। श्री 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 वंदुषा हृदय अंटू जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय।
श्री काशी विशालाक्षी गंगान्न पूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान के मानवा धर्म के धर्म दिंदले विश्व के शांते वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्य शिवसांबजे नमः पार्वती पदये शिव हर हर महादेव। कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि सानंदमानंद भवने वसंतम आनंद कंदम हृदपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये यस्यो नाम रूपाभ्यां यादवे सर्वमंगलां तयो संस्मरणार्पुंसां सर्वतो जयमंगलम शिवसां भजे नमः पार्वती पतये शिव हर हर श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के काशी विशालाक्षी गंगा अन्नपूर्णेश्वरे समेत विश्वनाथ भगवान के मानवा धर्म के धर्म दिंदले विश्व के शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचा